हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने जो टॉपिक लिया ये इंडिया का सबसे हॉट टॉपिक है, विराट कोहली। कौन नहीं जानता इनको, है ना, पूरे वर्ल्ड में सभी लोग जानते हैं। नंबर वन क्रिकेटर, इंडियन टीम के कैप्टन, इतने सक्सेसफुल, इतनी कम उम्र में इतनी सफलता, है ना। इनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखा हुआ है 1988 की है, तो आप समझ सकते हैं इनकी उम्र क्या है, ऑलमोस्ट, है ना, 32 साल के हैं ओनली, 34 के। आज मैं ये बताने जा रहा हूँ, आज इंडियन न्यूमोलॉजी, इंडियन एस्ट्रोलॉजी और लूसो ग्रीडेला, जिसको चाइनीज न्यूमोलॉजी बोलते हैं, विराट कोहली को इतनी बड़ी सफलता किसने दिलवाया? क्या इंडियन न्यूमोलॉजी ने दिलवाया या लूसो ग्रीडेला ने दिलवाया या इंडियन एस्ट्रोलॉजी ने दिलवाया? जैसा कि आपको पता है, मैं इस तरह का वीडियो आजकल बना रहा हूँ, प्रिडिक्टिव न्यूमोलॉजी इसको कहते हैं। यहाँ पर मैं प्रिडिक्शन करता हूँ, अब आपको ये बताता हूँ, फॉरकास्टिंग करता हूँ, है ना। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी के बारे में किया था, मुर्मू जी बनेंगी, 21 दिन पहले मैंने प्रेडिक्शन किया था, वो बन चुकी हैं, इसका मतलब प्रेडिक्शन मेरा सही हुआ। लूसो ग्रीडेला एनालिसिस एकदम सही बैठा। अभी मैंने बहुत सब लोगों के बारे में किया है, KCR साहब के बारे में किया है, राहुल गांधी जी के बारे में किया, सोनिया गांधी जी के बारे में किया, प्रियंका गांधी जी के बारे में किया। अभी मैं बीजेपी पार्टी के भी 3 और नए लीडर्स के बारे में करूँगा, फिर ममता दीदी के बारे में करूँगा, फिर उद्धव ठाकरे जी के बारे में करूँगा, है ना। उसके बाद अपने नीतीश कुमार जी के कौन कौन प्रधानमंत्री बनने के रेस में है। लेकिन अब मैंने बहुत दिनों के बाद स्पोर्ट्स का टॉपिक लिया है, इससे रिलेटेड 4-5 वीडियो मैं आपको बना के दूंगा। बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन का, पहले वाले स्पोर्ट्समैन का, वो लोग सफल क्यों रहे, किस बेस पर रहे, तो इस तरह से मैं आपको अब स्पोर्ट्समैन पे, फिर फिल्म स्टार, जैसा कि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब के ऊपर बना चुका हूँ, पंकज त्रिपाठी जी के ऊपर बना चुका हूँ, और भी मैं नए न्यू कमर जितने भी, उन सबके ऊपर बनाऊंगा मैं, कि वो लोग सफल कैसे हुए और कितनी दूर तक सफल रहेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा नंबर उनको सफल रखेगा और कौन कौन सा नंबर मिसिंग है, तो उस नंबर मिसिंग नंबर को उनको अपने जीवन में लाना है। चलिए देखते हैं विराट कोहली जी इतने सफल कैसे हुए। इससे पहले कि मैं ये आपको बताऊं, ये जो लोग ऑलरेडी जानते हैं लूसो ग्रीड क्या होता है, इंडियन न्यूमोलॉजी क्या होता है, तो ये आपको पता है। और आपको पता है मेरी वीडियो, जब से मैंने प्रेडिक्टिव न्यूमोलॉजी शुरू की है, पूरे यूट्यूब वीडियो में आपको वैसा बना के कोई नहीं दे रहा है, पूरे लाखों वीडियो आप देख लीजिए फिर भी आपको नहीं मिलेगा, इट्स माई गारंटी वारंटी, है ना। उस तरह से एनालिसिस करके कोई नहीं बताता, है ना। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे एनीवेज, सबसे पहले रूल्स ऑफ ऑकल्ट साइंस। ऑकल्ट का मतलब होता है गुप्त, साइंस का मतलब विज्ञान। तो गुप्त विज्ञान क्या होता है, जो हमारे ब्रह्मांड में जो एनर्जीज है उसको हमें, हम ऑब्जर्व करते हैं, हमारे साइंटिस्ट, हमारे न्यूमोलॉजर, हमारे एस्ट्रोलॉजर उसको ऑब्जर्व करते हैं और ये पता लगाते हैं कि कौन सा एनर्जी हमारे लिए पॉजिटिव है, कौन सा हमारे लिए नेगेटिव है। तो पॉजिटिव एनर्जी को हम अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हैं उसी जद्दोजहद में, है ना। ऑकल्ट साइंस जो गुप्त विज्ञान है, अगर उसको नॉलेज करते तो गुप्त ज्ञान हो जाएगा। तो हमें गुप्त ज्ञान जो है न्यूमोलॉजी देता है, एस्ट्रोलॉजी देता है, है ना। आपका टैरोट कार्ड आजकल आ गया है, 10 साल से ऑलमोस्ट टैरोट कार्ड है, रेकी है, बहुत सब चीज़ें हैं, पामेस्ट्री बहुत दिनों से है, है ना। तो इस तरह से उसका 5 रूल है। 5 रूल क्या है कि लॉजिक है तो मैजिक है। अगर कोई भी व्यक्ति यूट्यूब जितना भी वीडियो देखते हो या कहीं भी वीडियो देखते हो, अगर वो सही बता रहा था, लॉजिकल सही है, तो फिर समझो वो मैजिक है, दैट इज करेक्ट, ठीक है। फिर हम न्यूमोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर गॉड या मैजिशियन नहीं है, हम भगवान नहीं है, हम जादूगर नहीं। अगर कोई भी न्यूमोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर अपने आप को गॉड भगवान बोलता है, तो उसको बोलिए आप ऐसा करिए, अपना भाग्य चेंज करिए और प्रधानमंत्री बनकर दिखाइए इस देश का। बहुत सिंपल एग्जांपल उनको दीजिए, देखिए अगर कर सकते हैं तो समझ लीजिए फिर वो गॉड है, भगवान है, सीधा लॉर्ड कृष्णा से तुलना हो जाएगा उसका, फिर है ना, प्रभु श्री राम से तुलना हो जाएगा, जो भी गॉड को आप मानते हो, वेरी सिंपल। फिर तीसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट, हम न्यूमोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर जो भी है, 80-20 का मतलब क्या होता है, 80% प्रेडिक्शन करेक्ट हो सकता है, 20% एरर हो सकता है, सबके साथ ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपको जानकारी नहीं है न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, हम लोग कितना 24 साल से पढ़ ही रहे हैं, है ना, कितना 50 से ऊपर बुक्स पढ़ चुके हैं, तो कभी अपना दिमाग नहीं लगाइए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी न्यूमोलॉजी का वीडियो जो यूट्यूब पे है वो ऐसा चीज़ है कि मेडिसिन शॉप में रखे हुए उन दवाइयों की तरह है, है ना, जिसको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं खा सकते। मैं पहले ही बोला हूँ, इस यहीं पे बोलना था मुझे कि हम न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजर जो है डॉक्टर की तरह, जिस तरह से डॉक्टर के पास आप अपनी बीमारी लेके जाते हैं और डॉक्टर बीमारी का इलाज, जिस तरह से बीमारी उसके हिसाब से इलाज करता है, जहाँ इंजेक्शन की जरूरत होती है वो इंजेक्शन देता है, जहाँ टैबलेट की जरूरत होती है टैबलेट देता है, जहाँ सिरप की जरूरत होती है सिरप देता है, हम न्यूमोलॉजर एस्ट्रोलॉजर भी उसी हिसाब से आपको उपाय बताते हैं, जितना बड़ा बीमारी उतना बड़ा उपाय, और जिस बीमारी का इलाज नहीं है तो नहीं है, बात खत्म, वेरी सिंपल, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ऑकल्ट मास्टर, ईमानदार ऑकल्ट मास्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे अपने गांव में, अपने शहर में, जहां भी आप रहते हैं। इसकी सुविधा के लिए मैंने
आचार्य जी का नंबर दिया हुआ है, एक ईमानदार लेडी का नंबर दिया हुआ है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरा ना दिया हुआ है। हम दो लोग अपने आप को एकदम ताल ठोक के, छाती ठोक के बोल सकते हैं कि आज तक एक रुपये की बेईमानी किसी के साथ नहीं की है ना, और आगे भी नहीं करेंगे, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। ये इसीलिए ऐसा है कि हम लोग कभी डर का बिजनेस नहीं करते, किसी को डराने के लिए हम नहीं करते। आज मैं जानबूझ के ये सब बता रहा हूँ, सो दैट अगर आप सही मायने में मेरा वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ज्ञान हो जाएगा, धीरे धीरे करके आप खुद से अपना करने लगोगे, खुद से प्रोफेशनल न्यूमोलॉजिस्ट लॉजर बन, न्यूमोलॉजर स्पेशलिस्ट लॉजर नहीं, न्यूमोलॉजर बन जाओगे 6 महीने के बाद, 1 साल के, नो प्रॉब्लम। तो ये 5 रूल को नहीं बोलना है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपने पूरा नाम को करेक्ट करो, अपने भाग्य को चेंज करो। पहले भाग्य में जान लो कि भाग्य में क्या लिखा है, इंजीनियर बनना लिखा है कि नहीं, डॉक्टर बनना लिखा है कि नहीं, IAS ऑफिसर बनना लिखा है कि नहीं, बिजनेसमैन बनना लिखा है कि नहीं, फॉरेन जाना लिखा है कि नहीं, फॉरेन सेटलमेंट लिखा है या नहीं, फॉरेन में जॉब है कि नहीं है। वो हम सब मैं करके देता हूँ न्यूमोलॉजी में, इतने कम फीस में, चीप एंड बेस्ट। और आचार्य जी से ये जानना बहुत जरूरी, जैसे कि आज मैं इस केस में बताऊंगा कि क्या इसका डेस्टिनी नंबर, साइकी नंबर बलवान है कि नहीं है, इसको किसने इतना फेमस बनाया, विराट कोहली को, ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजर बता सकता है, न्यूमोलॉजर नहीं बता सकता है ना। एक बार जान गया कि मेरा ग्रह कौन सा बलवान है और नहीं है, तो उसका उपाय बता दिया उन्होंने, उसके हिसाब से उपाय करो, एकदम रॉकेट की तरह आगे बजाओगे, एकदम ऊपर ऊंचाइयों पर जाओगे, आसमान की ऊंचाइयों पर जाओगे, कोई नहीं रोक सकता, इट्स माई गारंटी वारंटी। इसलिए नाम चेंज करना और अपना कुंडली बनवाना, आचार्य जी से ये जानना कि मेरा साइकिक डेस्टिनी नंबर में से कौन सा मेरा बलवान है, अगर दोनों बलवान है तो सोने पे सुहाग, उसके हिसाब से काम करो, सफलता 100% मिलेगी। क्योंकि भाग्य को जान लो, उसके हिसाब से कर्म करो, सफलता झक मार के आपके पीछे आएगी। ठीक है, चलिए बताते हैं विराट कोहली का, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। विराट कोहली का नेम नंबर 14 नंबर पाता है न्यूमोलॉजी के हिसाब से, इट्स नॉट ए लकी नंबर। हाँ, लकी फिर से मैं बता दूं, मानो तो सब नंबर लकी है, नहीं तो सब नंबर अनलकी है। मानो तो सब नंबर पैसा दे सकता है, नहीं तो कोई नंबर पैसा नहीं दे सकता है। मानो सब नंबर पॉजिटिव रिजल्ट आता नहीं जा सकता है, क्योंकि मानो तो राम नहीं तो पत्थर है ना, प्रभु श्री राम हम गॉड को मानते हैं ना, देखें सूर्यदेव और चंद्रदेव को छोड़कर हमने कोई किसी को नहीं देखा है, वो हमारे प्रत्यक्ष देवता है, पहले प्रत्यक्ष देवता है सूर्यदेव और चंद्रदेव, उनके अलावा हम किसी गॉड को आज तक नहीं देखे, फिर भी हम मानते हैं ना। बस उसी तरह से मानोगे तो असर होगा, जैसे एक बड़ा डॉक्टर का नाम सुनते कैसे मन में आ जाता है, जरूर अच्छा डॉक्टर होगा, बस बीमारी आधा ऐसी ठीक हो जाता है, दिस इज द थिंग है ना, वो चीज़ ध्यान रखना है। तो इसमें अनलकी, मेरे हिसाब जो मैं जब मैं वर्ड अनलकी यूज करता हूँ, उसका मतलब जो रिजल्ट आपको देरी से देता है, डैट इज डिले करता है ना, डिफिकल्टी लाता है रिजल्ट में, इसलिए उसको अनलकी बोला जाता है। मेरे हमारे एस्ट्रोलॉजर न्यूमोलॉजर उसको सीधा सीधा अनलकी बोलते हैं, खराब नंबर बोल देते हैं, नहीं खराब कुछ नहीं है, सब अच्छा नंबर है, जैसे सब दिन अच्छा होता है ना। लेकिन हम हिंदुओं में सब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको, सबका अपना अपना स्टाइल है काम करने का, तो हम किसी को भी पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि तुम गलत बोल रहे हो सही बोल रहे हो, नहीं, सबका अपना अपना स्टाइल है। आप समझदार हो, आप डिसाइड करोगे, लॉजिक है तो मैजिक है, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, दूसरा सही बोल रहा है कि नहीं, वो आपको डिसाइड करना है, मुझे डिसाइड नहीं करना है ना। चलिए इसमें बताते हैं, तो दोनों जोड़ के इनका 32 एज ए कंपाउंड नंबर इज ए वेरी लकी नंबर, बट नेम नंबर इनका 5 आ गया, 32 को 5 पे ऐड करेंगे, तो इनका डेट ऑफ बर्थ 5 है, साइकी नंबर जिसको मूलांक कहते हैं, ये मंथ का नवंबर है, इसको मासांक कहते हैं, और सबको जोड़ देंगे एक साथ तो ये भाग्यांक आ गया। तो आप सोचेंगे कि ये 42 भाग्यांक कैसे आया, 11 नंबर मास्टर नंबर, इसको ना रिड्यूस नहीं किया जाता, तो जब जोड़ेंगे 8 8 16 16 प्लस 9 25 प्लस 6 है ना 26 5 31 30 प्लस 31 प्लस 11 42, तो 42 6 नंबर। अब आपको जान के बड़ा बहुत हैरानी होगी, जैसा कि मैं बताया आप लोगों को YouTube वीडियो में बता रहा हूँ, जो कि कोई नहीं बता रहा इस तरह से एनालिसिस करके, आप पूरा वीडियो देख लीजिए YouTube का, कोई आपको इस तरह से एनालिसिस करके कोई नहीं बताता है ना, लेकिन उनकी रोजी रोटी का सवाल है। साइकी नंबर जो 5 नंबर जो साइकी है, ये अनलकी नंबर है। अब तो आपको जान के बहुत हैरानी होगी, ओ माई गॉड ये क्या हो गया। डेस्टिनी नंबर 6 भी अनलकी है, ओ माई गॉड अब ये क्या हुआ है ना, ये तो रिसर्च के द्वारा साबित किया जा चुका है, सारे एस्ट्रोलॉजर न्यूमोलॉजर जानते हैं, लेकिन आपको नहीं बताएंगे ये बात, क्या उनकी रोजी रोटी उसी के बिल पर वो खाना पीना खा रहे हैं, उनका खूब चल रहा है, दुकान चल रहा है, खूब जबरदस्त चल रहा है। और नेम नंबर, जब आपका साइकी नंबर अनलकी होगा तो नेम नंबर 5 का होने से क्या होगा, वो भी अनलकी हो गया, वेरी सिंपल। इसका मतलब विराट कोहली को इंडियन न्यूमोलॉजी ने सफलता नहीं दिलाई, कट हो गया, तो इंडियन न्यूमोलॉजी के हिसाब से इनको सफलता नहीं मिली। अब चलते हैं चाइनीज न्यूमोलॉजी, चाइनीज न्यूमोलॉजी जिसको हम लुसोग्रेड एनालिसिस बोलते हैं,
एकदम सटीक है। मेरा तो पहला ऑनलाइन प्रेडिक्शन इतने सालों के बाद, ऑफलाइन तो मैंने बहुत 2014 से मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, सबका सब सही हुआ है। मोदी जी के इलेक्शन से लेके लोग मुझ पर हंसते भी थे। अभी मैंने 3 महीने पहले प्रेडिक्शन किया था कि हमारे देश की जनसंख्या 150 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा दिसंबर 2022 में। देखिए क्रॉस करने जा रहे पेपर में आ गया टाइम्स ऑफ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन 800 करोड़ हो जाएगा, मैंने पहले ही बोला था 3 महीना पहले, वो भी सही साबित हुआ। इसका मतलब मेरा कैलकुलेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बिकॉज न्यूरोलॉजी इज नंबर गेम, साइकोएनालिसिस और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से मेरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एकदम सही बैठ रहा है नंबर्स पे, जिसकी वजह से एकदम सही सही प्रेडिक्शन जा रहा है। अब चलते हैं लूसो ग्रिड एनालिसिस। ये हमारा फिक्स लूसो ग्रिड एनालिसिस 3x3 का मैट्रिक्स है, हम सब जानते हैं, है ना। 5000 साल पहले इस पर रिसर्च हुआ था। ये एक्चुअली हमारा सूर्ययंत्र है, जो हमारा जो विद्वान लोग बाहर से आए पढ़ के गए, फिर उन्होंने अपना रिसर्च किया, फिर अपने रिसर्च के हिसाब से इसको बना दिया। 3x3 का मैट्रिक्स है, कहीं से कहीं भी जोड़िएगा 15 आएगा। जो न्यू लोग हैं जो देख रहे हैं उनको बताते हैं 15 आता है। अब विराट कोहली का ये है लूसो ग्रिड एनालिसिस। कैसे बनता है लूसो ग्रिड एनालिसिस? ये डेट ऑफ बर्थ के बेस पे बनता है, ठीक है ना। तो ये 5 है तो 5 आ गया यहाँ पे, फिर से ये 5 साइकिल नंबर तो ये आ गया इनको, ये 1 है 1 आ गया, फिर से 1 है तो 1 आ गया, ये 9 है तो 9 पे चला गया, है ना। 8 है 8 हो गया। अब ये टोटल 6 डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर जिसको हम बोलते हैं भाग्यांक, तो 6 है तो 6 चला गया। अब लूसो ग्रिड एनालिसिस में इनका सिर्फ 951 और 816 एक ग्रिड बन रहा है, जो सफलता ग्रिड, जो मतलब सफलता देता है आपके, सफलता लेके आता है, उसे एक ग्रिड है, 2 ग्रिड से मिसिंग है। इसका मतलब विराट कोहली के लिए लूसो ग्रिड एनालिसिस भी हेल्पफुल नहीं है, इनको चाइनीज न्यूमरोलॉजी ने भी सफलता नहीं दिलाई। अब क्वेश्चन मार्क, सफल कैसे हुए इनका? देखिए विराट कोहली का देखिएगा लूसो ग्रिड एनालिसिस, आपको जान के बहुत हैरानी होगी। ना इनके पास 4 नंबर है, ना इनके पास 3 नंबर है, ना इनके पास 2 नंबर है, ना इनके पास 7 नंबर है। मजेदार बात देखिए, इतने सक्सेसफुल व्यक्ति जिसके पास 4-4 नंबर मिसिंग, वो इतने सक्सेसफुल, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट नंबर, 4 नंबर ही नहीं है। और जो नंबर आपको स्पोर्ट्स में है ना, और मतलब कहते हैं ना आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में सफलता दिलाता, वो दोनों नंबर मिसिंग है, 2 और 7। इसका मतलब इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से विराट कोहली के कुंडली में ये 4 नंबर और 2 नंबर, ये 7 नंबर, तीनों बलवान नंबर है। नहीं तो इनको किसी कीमत पे इतनी सफलता नहीं मिलेगी, कुछ भी कर लीजिए, गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी भी सीख रहा हूँ आचार्य जी से, सीखने के बाद मैं आप लोग को और बढ़िया कुंडली बना के बताऊंगा अगले साल से, तो जबरदस्त एनालिसिस करके बताऊंगा कुंडली वाइज, है ना, कि किसका कौन सा बलवान है, एकदम फ्री में दूंगा, बताऊंगा आप लोगों को अगले 7 जनवरी से। अभी फिलहाल बता दूं कि ये 4-2-7 बिना इसके इनको इतनी सफलता किसी को नहीं मिल सकती, किसी भी क्रिकेटर को नहीं, क्योंकि ये 3 नंबर होना जरूरी है। इसके साथ साथ 6 नंबर इनके पास, सिर्फ इनके पास 6 नंबर है, क्योंकि 6 नंबर लग्जरी लाइफ स्टाइल कम्फर्ट का नंबर है, जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, टीवी से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जो भी लग्जरी का खेल। विराट कोहली साहब लोग 30,000 रुपये बॉटल का एक पानी पीते हैं, बिसलरी बॉटल, है ना, तो आप समझ सकते हैं कितना लग्जरी का खेल है। घर में कैसा पानी पीते हैं उनको खुद पता है, लेकिन जो क्रिकेट मैदान में होते हैं तो 30,000 रुपये का पानी का बॉटल का पानी पीते हैं। सब लोग पीते हैं, खाली वही नहीं पीते हैं, सारे फ्लिप वो वहाँ पे जितने भी क्रिकेट प्लेयर सब पीते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना लग्जरी का। तो उनका लग्जरी का पार्ट सिर्फ 6 है और ये तीनों मिसिंग है। अगर तीनों मिसिंग होगा तो फिर इनको सफलता कैसे दिलवाते? इसका मतलब ये तीनों 4 नंबर 2 नंबर 7 नंबर इनका बलवान नंबर है। ये जो आज सफल हुए हैं वो सिर्फ इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हुए हैं, क्योंकि उनके लिए इंडियन न्यूमरोलॉजी कट बिल्कुल नहीं, लूसो ग्रिड एनालिसिस भी कट बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब तक आपके पास 4-2-7 नहीं होगा, 6-4 नंबर, आपको कोई भी स्पोर्ट्स में इतना बड़ा सफलता कोई नहीं दिला सकता। और नेम फेम तुमको इसलिए मिला कि 555 है, 111 है, 88 है, ये सब नेम फेम के नंबर, जहां भी 111 आ गया आपका सारे न्यूमरोलॉजी 3 चार्ट बन गया, 3 घर में 111 आ गया, समझिए आपको ऑटोमेटिक नेम एंड फेम मिलना ही है ना। 9 नंबर्स खाल नहीं होता कि 9 नंबर नेम एंड फेम का लूसो ग्रिड आपको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1900 में जो भी पैदा हो सबके पास 9 नंबर, इसका सब थोड़े फेमस है, बिल्कुल नहीं है, है ना, ऐसा नहीं है। तो इनको जो सफलता मिला वो इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मिला। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप मुझे फीडबैक दीजिए, फीडबैक देने से मनोबल बढ़ता है। वीडियो लाइक करिए, इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए मेरे चैनल को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगनिंग।